वकारदा का प्राइवेट ग्रुप आईओटी डेवलपर कोर्स। आज हम सेशन 20 के अंदर मौजूद हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा कि किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो हमारे पास वर्क करता है सी लैंग्वेज के अंदर, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ये फॉर्मुलेट करता है, यानी कि बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखता है, ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे कि रॉ एंड कॉलम्स हमारे पास एक्सेल में या स्प्रेडशीट में, या अगर हमारे पास कोई भी एंट्री की बुक होती है रॉज एंड कॉलम वाली, या मैथ्स की अगर आपकी बुक हो, उसी तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। तो आप लोगों को टास्क भी दिया गया था एक, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से किसी ने शायद किया नहीं। अगर किया होता तो कमेंट के अंदर उसके अंदर बताया होता कि कभी ये टास्क हो गया है या नहीं हुआ। तो अगर आप में से वाकई में किसी ने टास्क कंप्लीट कर लिया है तो वो प्लीज़ यहाँ पे बता दें कि हाँ भाई टास्क हो गया है, और अगर वो अपना कोड गेट पे या कहीं पे भी रिपोजिटरी पे शेयर कर दे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई वाकई में ये चीज़ वेरीफाई हो चुकी है। ऑल्दो दूसरा ये कि आज हमने जो चीज़ देखनी है वो हमारे पास इसके आगे का टॉपिक था जो कि हमने मल्टी डायमेंशनल एरे से देखना था, वो था हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। अच्छा भाई, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप में से किसी ने भी जो है वॉलेंटरली वो काम कर दिया है तो यहाँ पे उसका लिंक दे दें, ड्राइव पे अपलोड कर दें, या गिट अगर आप लोगों को आता है अब तो हमने आगे जाके उसको भी देखेंगे कि कैसे गिट जो है वो यूज़ होता है, वो एक टूल है वर्जन कंट्रोलिंग के लिए। उसके अलावा फिर हमारे पास उसके फिर सोर्सेज हैं लाइक गिट हब हो गया, बिट बकेट हो गया, गिट लैब है, और भी बहुत सारे हमारे पास वर्जन कंट्रोलिंग के सिस्टम्स हैं, फिर हम गिट को उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो अगर वाकई में आप लोगों ने कर लिया है तो कमेंट करें या उसको कहीं पे भी अपलोड करके वहाँ पे दिखा दें कि हाँ भाई आप लोगों ने वो टास्क कर लिया है, ताकि हम उसको उसी जो आपका कोड है वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाए, क्योंकि लॉजिक हमारी सेम ही है, लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस बिटवीन आवर लॉजिक, जो हमारा मेजर चेंज होगा वो ये होगा कि लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। वहाँ हमने उसको वन डायमेंशनल एरे से किया था सिंगल डायमेंशन से, यहाँ हम उसको टू डायमेंशनल एरे से करेंगे। ये उसका मेजर पार्ट है जिसको आप लोगों ने देखना होगा। चलें जी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, ब्रेक स्टेटमेंट की, क्या होता है और ये क्यों यूज होती है, इसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी सिनेरियो आएगा कि आपको फोर्सफुली प्रोग्राम को या लूप को टर्मिनेट करना होगा। क्या मतलब कि आप लूप चला रहे हैं, कोई कंडीशन चला रहे हैं वाइल के अंदर, तो या आपके पास कोई आइटरेटिव कंडीशन है या उसके फर्दर उसके अंदर हमारे पास जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो वो जब आप चला रहे हैं तो उसके अंदर किसी एक सर्टेन पॉइंट पे आपने उस बॉडी को ब्रेक करना है। ठीक है, तो अगर वो ब्रेक करना है तो वो किस तरीके से ब्रेक होगा उसके बारे में असल चीज़ ये हमारे पास स्टेटमेंट करेगी। अच्छा जी, सैयद ज़ादा जब्बार, अगर मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि आपने पता नहीं रोमन में लिखा हुआ, एक सवाल करना है, पूछने सवाल क्या है भाई, प्लीज़ सवाल लिख दिया करें, बताया नहीं करें क्योंकि कमेंट ज़्यादा हो जाते हैं इससे। तो बात यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रेक स्टेटमेंट, तो पहले इसको समझते हैं ये है क्या, फिर हम इसकी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे बहुत सारी। वेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इन साइड अ लूप, द लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड एंड प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे आपने कोई कोड लिखा, कोड लिखने के अंदर आपने लूप लगाया हुआ है, और जैसे ही वो कंडीशन आपने ब्रेक का कीवर्ड यूज किया तो वो कंडीशन उस लूप से बाहर आ जाएगी, नेक्स्ट उसकी कंडीशन पे चली जाएगी। अच्छा, अब ये किसकी बात कर रहा है, ये कि मिसाल के तौर पे आपने लूप के अंदर फर्दर कंडीशन लगाएगी, उस कंडीशन के बिहाफ पे करेगा तो प्रोग्राम आपका हॉल्ट हो जाएगा, मेन चीज जो आपका जो लूप चल रहा है वो रुक जाएगा वहां पे। ठीक है, ब्रेक से ये होगा। इट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट अ केस इन स्विच स्टेटमेंट कवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, अभी हम देखेंगे। इफ यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप, दोबारा अगर आप यूज कर रहे हैं नेस्टेड लूप, द ब्रेक स्टेटमेंट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ इनर मोस्ट लूप एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड आफ्टर द ब्लॉक। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे हम दो लूप बनाए फॉर के, पहला लूप आउटर हो
अंदर वाला इनर हो, और लेट सपोज कंडीशन लगा दें कि भाई इफ जो इनर लूप की वैल्यू है वो बराबर हो 2 के, दोबारा इफ इनर की वैल्यू बराबर हो 2 के ब्रेक कर दो। तो इस स्टेटमेंट से एक्चुअल में होगा क्या, इस स्टेटमेंट से होगा ये कि आपका जो इनर वाला लूप है वो टर्मिनेट होगा, और वो टर्मिनेट होने के बाद आपके कहाँ चला जाएगा, फर्दर नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा, बजाय इसके कि वो जो है वहां पे उसको क्लोज करे। ठीक है भाई, तो इसकी पैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं हम कि किस तरीके से ये चीज हमारे उसके अंदर चलती है सिस्टम के अंदर। तो कंडीशन आई, कोई भी कंडीशनल कोड है, सही है भाई, और ये ब्रेक आ गया, ब्रेक आ गया तो ये फौरन बाहर हो गया, नेक्स्ट उस पर आ जाएगा आपकी स्टेटमेंट पे। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो यहां पे चलता रहेगा, और जरूरी नहीं है कि वो ट्रू के ऊपर ही हो, फॉल्स कंडीशन पे भी हो सकता है। मेन जो इसके अंदर आपको चीज समझने वाली है वो ये कि जब भी ब्रेक का कीवर्ड आएगा, यानी कि जब भी हम ब्रेक की कमांड को ट्रिगर करेंगे, ब्रेक को हम सो कॉल्ड जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि दैट इज ड्राइव फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज। तो अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे से जाएं, क्योंकि सी हाई लेवल लैंग्वेज तो है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लो लेवल लैंग्वेज से भी एक्सट्रैक्ट की गई थी उस टाइम पे, क्योंकि सी काफी पुरानी है, हमने बिल्कुल शुरू में इसके ऊपर डिबेट भी की है, अराउंड 50 प्लस ईयर्स का इसका एक्सपोजर हो चुका है। तो इस लैंग्वेज के अंदर कुछ चीजें पुरानी लैंग्वेजेस की भी थी, जिसमें से एक जंप स्टेटमेंट थी। ये स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, ये स्टेटमेंट्स का मेजर पार्ट ये है कि किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आपकी कंडीशन को स्विच करवा दें। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है वहां से उसका ब्लॉक चलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यू है, पहले हम ब्रेक को समझते हैं और फिर जो है हम इसकी तरफ आएंगे, तो मेरे ख्याल से ये चीज आसान हो जाएगी। एज यूजल आप लोगों को पता है कि हम लोग जल्दी से एक फाइल बनाएंगे, और इस फाइल को हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं, फोल्डर हम बना लेंगे, सेशन 20, और इसका नाम हम रख देंगे सेशन 20.c। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास आ गया हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट .h। ठीक है भाई, अच्छा ये तो आप लोगों को पहले से भी पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है क्या चीजें, क्योंकि हमने इस पर काफी सारी डिबेट कर चुकी है। ऑल्दो अभी हमारे पास जो अपकमिंग सेशंस आएंगे वो आएंगे रिगार्डिंग फंक्शंस, सॉरी। तो आप में से अगर वाकई में कोई चीज कोई इंटरेस्टेड है कि भाई कैसे फंक्शंस वर्क करते हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लें बैकग्राउंड से, नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम इसको पूरा क्लास में ईच एंड एवरीथिंग समझेंगे, क्योंकि दैट इज अ क्रूशियल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंक्शन किसी भी लैंग्वेज का। अगर आपको ये चीज समझ आ गई सी में, तो आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर इजीली स्विच हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चले भाई, हमने ये बना दिया यहाँ पे, अब क्या करना है हमें, हमने यहाँ पे दो लूप लिखने हैं, तो उसके लिए इंट आउटर कॉमा इनर विच इज इक्वल टू नथिंग, फॉर आउटर इज इक्वल टू 0 सेमीकॉलन आउटर लेस देन 5 सेमीकॉलन आउटर प्लस प्लस। अच्छा भाई, तो हमारी अभी कुछ ही क्लासेस है कि हम फिर इस आईडी को से भी मूव हो जाएंगे विजुअल कोड की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप लोगों को पता हो, तो हम नेक्स्ट एडिटर जो हमारे पास होगा वो होगा। तो अब आप लोगों के पास इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप इजीली जो है वो अपने कोड को एनालाइज कर सकते हैं। ऑल्दो अभी हमने फंक्शंस करने हैं, फंक्शंस जैसे ही हम कर लेंगे तो फिर हम डायरेक्ट इस पर स्विच हो जाएंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यहाँ पर आउटर लिया, अब आउटर के बाद हम यहाँ पर अगेन डिक्लेयर करेंगे किसको, अपना इनर लूप को, इनर विच इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन इनर लेस देन 5 इनर प्लस प्लस। चलें जी, अब आप लोगों ने ये देख लिया, होगा क्या अगर मैं बिल्कुल इसको आसान अल्फाज में प्रिंट एफ स्टार यहां पर प्रिंट कर दूं,
ये हमारे पास आ जाएगा सॉरी, हमारे पास आ जाएगा स्लैश एन, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर प्रिंट किया, सॉरी प्रिंट एफ में दोनों चीजें दे दी। होगा क्या इससे, ये आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने काफी टाइम जो है इस लूप्स को देख लिया है, और फ्रिक्वेंटली हम इन्हीं को यूज कर रहे हैं ताकि आपकी जितनी भी क्लैरिफिकेशन है किसी भी नए कॉन्सेप्ट पे कोई मसला ना हो उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ओपन कर लेते हैं अपने पास वो लोकेशन जहाँ पे ये अवेलेबल है। हम आएंगे कोडिंग में, हम जाएंगे सेशन 20 में, यहाँ पे लिखेंगे CMD, और CMD के फौरन बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। चलें जी अब शुरू करते हैं। अब क्या करना है, हम इसको कंपाइल करेंगे GCC माइनस स्पेस, हमारे पास आ जाएगा session 20 स्पेस -o आउटपुट डॉट exe। सही जनाब, तो ये हमने आउटपुट निकाल लिया, और आउटपुट को हम अभी हम प्रिंट करवा लेते हैं। ये 5 की 5 रोज आ गई। अब क्यों, क्योंकि हमने इस पे लेस देन की कंडीशन नहीं लगाई हुई थी, वरना ये स्टेयरकेस बन के हमारे पास पैरामीटर की फॉर्म में आ जाता। खैर अभी हमें वो चाहिए भी नहीं, अभी कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं अब करूंगा क्या, सिर्फ ये आप देखिएगा कि मैं इसके अंदर एक कंडीशन लिखूंगा। जस्ट कोड पे आए हम, इफ इनर पे आया हूं मैं, देखिएगा जरा, इफ इनर बराबर हो जाए 4 के, तो क्या करे भाई, इनर इनर कर दे ब्रेक। अच्छा मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ और इस तरीका से भी, तो कोई इसमें वो नहीं होनी चाहिए कि सर ये क्या लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट होगी तो हम इफ या फॉर उसके अंदर एक लाइन में लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है भाई, हमने लिख दिया, जल्दी से आए हम यहाँ पे। जरा आउटपुट आप देखिएगा, मैंने कंपाइल किया, क्या डिफरेंस हुआ बताएं, आउटपुट देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या इसके अंदर डिफरेंस आया है। वाजे है वैसे, किस चीज में जो है वो डिफरेंस हुआ है ये देख के बताएं। जस्ट अगर आप लोगों ने ये चीज समझ ली तो मेरा नहीं ख्याल फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी कि एक्चुअल में हमारे पास ब्रेक का कीवर्ड कर क्या रहा है। तो अगर आप नोटिस करें वो ये कि यहाँ पे ये स्टार 5 टाइम्स प्रिंट हुए। क्या मतलब कि भाई ये जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं ये 5 दफा प्रिंट हुए हैं, और यहाँ पे कितनी दफा हुए हैं, 4 दफा। तो क्या पता चला, पता ये चला कि भाई जब हमने इसको ब्रेक करवाया तो ये जो लूप है, ये देख रहे हैं ये लूप, इसकी बॉडी हमेशा 4 वैल्यू के ऊपर, इनर की 4th वैल्यू के ऊपर ये स्टार प्रिंट नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि ये बॉडी इससे बाहर आ जाती है, इस लूप से बाहर आ जाती है। ये देख रहे हैं ये लूप को मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये इससे बाहर आ जाता है, और देन ये दोबारा आउटर पे जाता है और आउटर इसको दोबारा ऑन करता है, फिर ये दोबारा नीचे आता है। अब इसको समझने के लिए और थोड़ा आसान करते हैं, वो ये कि मैं यहाँ पे ये स्टार की जगह लिख देता हूँ %D, और यहाँ पे हम कॉमा करके लिखते हैं इनर, ठीक है भाई। अब इससे क्या होगा, इससे हमें वाजे भी हो जाएगा और नजर भी आएगा कि भाई वाकई में यही हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू नजर नहीं आई, ऐसे ही हुआ। तो हमारे पास 1 आया 0 आया, सॉरी 1 आया 2 आया, और 3 के बाद 4 नहीं आया। अच्छा आप शायद ये भी सोच रहे होंगे, सर क्या पता आपने जो है इसके अंदर लास्ट वाली वैल्यू थी इसलिए नहीं है। नहीं भाई, ये लास्ट वाली वैल्यू का नहीं है, सिर्फ अगर आप यहाँ पे जस्ट सिंपली आए और यहाँ पे इसको चेंज कर दें, लेट सपोज 2, और अब आए दोबारा इसको कंपाइल करें, देख रहे हैं आप, तो जैसे ही बराबर हुई 2 के, बंद, वापस ऊपर वापस ऊपर वापस ऊपर। सही है भाई, क्योंकि लूप हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है उसका, समझ आई। ये जो इनर वाला लूप है, नस्टिएशन में होता क्या है कि पहले ये सारी चीजें चलेंगी फिर आएगा। अब जाहिर सी बात है वो लूप 2 पे ही जो है वो एंड हो गया, बाहर आ गया, वो तो इस वाली आइटरेशन पे गया ना, तो जैसे ही इस पे गया तो वो तो दोबारा अगेन 0 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे बेनिफिट है किसका,
ब्रेक का, अगर आपने इस चीज को ब्रेक करना है, ठीक है भाई। चलें जी, ये हमने कर दिया। अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसी को चेंज कर रहे हैं, और इसको हम लगाएंगे, चेंज किसके थ्रू करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू। मैंने जस्ट यहां पे ब्रेक की जगह क्या लगा दिया, कंटिन्यू। तो अब बिहेवियर जस्ट सिर्फ आप चेक कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा, दैट इज ऑपोजिट ऑफ ब्रेक। क्या मतलब, देखें जब मैंने उस पर ब्रेक लगाया तो वो पूरा का पूरा वहीं पे एंड हो गया, लूप आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन जब हम बात करें किसकी, कंटिन्यू की, तो कंटिन्यू ने क्या किया कि उसको उस स्टेप पे स्किप कर दिया, उसकी नेक्स्ट आइटरेशन पे चला गया। क्या मतलब हुआ, ये कि जब हमने ब्रेक यहां पे लिखा हुआ था, मैं इसको दोबारा रिवर्ट कर दूं, तो ब्रेक ने इस बॉडी को इसके बाहर ले आया, यानी कि जो फ्लो है, फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम है, वो यहां से पहले इस वाले लूप में आया, फिर इस वाले लूप में आया। जब इस लूप में आया तो उसने पहले ये कंडीशन चेक की, और जैसे ही ये कंडीशन चेक हुई तो वह एक्चुअल में क्या हुआ, इस बॉडी से बाहर आ गया, क्योंकि जब ब्रेक आपने लिखा तो उसने इस पूरे लूप को टर्मिनेट कर दिया, बाहर आ गया। तो यही चीज थी, अगर आपने नोट किया हो कि जब हमने ब्रेक का कीवर्ड लगाया हुआ था तो 0101 ही आ रहा था, जैसे ही 2 मिला ऑटोमेटिकली उसने उसको बाहर कर दिया, तो इसलिए वो चीज प्रिंट ही नहीं हुई। सही है भाई, अगर देखें मेरे को सेकंड भी प्रिंट करवाना है तो अगर आप नोट करें वो ऐसे होगा, सिर्फ जस्ट बाय रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट। मैं आया यहां पे, कंपाइल किया, अब 2 भी प्रिंट हो रहा है, पहले जो है वो 2 प्रिंट नहीं हो रहा था। कैसे, कोई बताएगा इसकी वजह, देगा भाई ये कैसे जो है वो हमारे पास सेकंड जो है प्रिंट हो रहा है, बताएं। ये जस्ट नोट अगर आपने किया हो, ये कमांड जो पहले बाद में थी, हमने जस्ट कमांड की पोजीशन ऊपर कर दी, जिसकी वजह से ब्रेक का कीवर्ड बाद में आ रहा था। तो पता क्या चला कि ब्रेक के फौरन बाद जितनी भी कमांड जाएंगी, सही है, वो टर्मिनेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, यानी कि खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं यही कमांड कंटिन्यू में चलाऊं तो अब देखिएगा क्या क्या इफेक्ट आएगा इसका, ठीक है भाई। दोबारा आए, इसको ऑन किया, कंपाइल किया, कोई डिफरेंस नहीं है। कंटिन्यू मैंने लिखा और प्रोग्राम चलाया, कोई डिफरेंस नहीं है। जो विदाउट कंटिन्यू भी अगर होता तो यही चलता, कंटिन्यू के साथ भी वही प्रोग्राम सेम चल रहा है। क्या वजह भाई, बहुत ही आसान वजह है इसकी, वजह यह है कि पहले आपकी कंडीशन प्रिंट हो गई, बाद में इवेल्युएट हुई। कैसे, ये आपने सेकंड प्रिंट करवा दिया था, उसके बाद जब आपने कंटिन्यू चेक किया तो जाहिर सी बात है वो तो पहले से प्रिंट हो चुका था, तो अब वो बकायदा यहां से ऊपर चला जाए कोई मसला नहीं। तो कंटिन्यू एक्चुअल में कर क्या रहा है, इसको मैं दोबारा इसकी कंडीशन में लेके आता हूं। कंटिन्यू आपकी बॉडी को ब्रेक नहीं करता। क्या मतलब, समझिएगा इस बात को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट। जब आप कंटिन्यू लिखते हैं ब्रेक की तरह, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये कहीं और चला जाए ब्रेक, क्योंकि डायरेक्ट बॉडी से बाहर आ जाता है। कंटिन्यू क्या करता है कि यहीं से ये जंप करके दोबारा आपकी इस वाली स्टेट पर आ जाएगा। तो आपने नोट अगर किया हो तो ये 2 थी वैल्यू, तो 2 जैसी थी, ये नीचे नहीं गया, 2 प्रिंट नहीं किया इसने, डायरेक्ट यहाँ पे दोबारा आ गया इंक्रीमेंट करके, और इसको कर दिया इसने 3। फिर इसके बाद इसने किया इसको 4, जो कि हमारे पास वैल्यूज थी। तो अगर मैं अभी इसको सेव करूं और अब मैं इसको चलाऊं, तो आप देखें 0 1 2 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 के ऊपर गया ही नहीं, ये जो 2 वाला पार्ट था, ये जो आपने 2 वाला पार्ट देखा है, यहाँ पे गया ही नहीं। अगर इस पे जाता तो फिर ये बात बनती, और ये कंटिन्यू का काम ही है
कि जहां पे ये आ जाएगा ये डायरेक्ट अपनी जो फ्लो है वो अगेन ऊपर वाले लूप पे, या ऊपर वाली जो भी आपके पास कंडीशन चल रही होगी आइटरेटिव, ये सिर्फ जरूरी नहीं है फॉर का लूप हो। अगर ये वाइल का लूप होता तो अगेन सेम यही करता और वाइल की नेक्स्ट इंक्रीमेंट के साथ ये ऊपर चले जाता। ठीक है भाई, तो इस चीज का आपको लाजमी ख्याल करना होता है अगर आपने कभी भी कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है। तो बहुत आर कॉल्ड जंप स्टेटमेंट। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। तो अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया कि भाई आप लोगों ने लास्ट वाला कोड अपग्रेड किया है या नहीं। अगर आप लोग ने नहीं किया तो कम से कम बता दें ताकि मैं उसको कवर करवा दूं आप लोगों को, ताकि वो चीज़ आप लोगों से हैंडल हो जाए। सही है भाई, अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेंशन कर दें, अदरवाइज जो है फिर हम इन्हीं की एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे हम कंटिन्यू को फर्दर किसी रियलिस्टिक और उसके इन्वायरमेंट के अंदर इसको चेक करेंगे। तो भाई अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम वाला कोड कर लिया है, जो कि मैंने आप लोगों को शायद सेशन 18 वाला कोड था जिसको आपने मॉडिफाई करके 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना था, कर लिया किसी ने? चले भाई, मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों ने किसी ने ऐसे जवाब दिया है, तो हम इसको कर लेते हैं बेहतर है, बजाय इसके कि कहेगा सर आपने कोई प्रैक्टिस एग्जाम्पल इसकी नहीं करवाई थी। तो हम आते हैं यहाँ पे सेशन नंबर 20 में। अगेन मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, कमेंट आउट आप लोगों को पता है कैसे कमेंट होते हैं मल्टी लाइन। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कमेंट हो गया, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब चूंकि हमने लॉजिक सारी चेंज नहीं करनी थी, कुछ स्पेसिफिक पार्ट था जिसमें से मेजर जो पार्ट था वो हमारे पास ये वाला था और ये वाला पार्ट था। सही है भाई, तो अब हम इसको जल्दी से वो करते हैं श्रिंक और अपना काम फौरन से करते हैं। तो ये पार्ट हम कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो ये कि आप स्टूडेंट जितने भी हैं 01, अभी फिलहाल के तौर पे इसको हम इंटीजर एरे लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल है जो के बराबर है दिस एंड दिस। ठीक है भाई, कॉमा 2 3 4। ठीक है भाई, तो ये सेम एज इट इज जो एरे है ये यहाँ पर डिक्लेयर होगी। क्या किया भाई, अगर आप लोगों ने नोट किया हो मल्टी डायमेंशनल एरे में लास्ट टाइम जो हम लोगों ने चीज देखी थी, ये देखें, ये हमने मल्टी डायमेंशनल की डिक्लेरेशन है, यही सेम हमने यहाँ पे कर दी। अगर मैं इसकी यहाँ पे स्पेसिफिक करना चाहूँ तो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 4। ठीक है भाई, और 4 ही इनके मार्क्स हैं। ठीक है जनाब, और अगर हम इस प्रोग्राम को चला के भी देख लें कि हमारे पास अभी इनपुट क्या आ रहा है, ताकि हम उसको बाद में के लिए भी वो कर सकें कि हाँ भाई यही हमारे पास इनपुट आ रहा है। तो जल्दी से हम पहले इस प्रोग्राम को चलाते हैं। हाँ, चला गया हमारे पास दिस, इसको हमने किया GCC आउटपुट। अच्छा, ये पूरा डायनेमिक था अगर आप लोगों को याद हो। एक बच्चे को मैंने बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दिए तो वो तो A+ से भी ऊपर चला गया। तो ये देखें आप, ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे हमने कितने दिए, मैं 4 सब्जेक्ट हैं, 3 दिए मैं। अच्छा, अगर आप नोट करें ये हमने डिक्लेरेशन 4 4 की हुई है और असल में हमारे पास ये 3 3 है, तो हम इसको 3 3 भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जो प्रोजेक्ट वो देखा है ऊपर ये लिखा हुआ है कि 4 स्टूडेंट है, 3 सब्जेक्ट है, तो ये एक हमने शायद एक्स्ट्रा दिया हुआ था अपने वाले प्रोग्राम में, इसको अगर हम कम भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 रोज हैं, 3 कॉलम है। ठीक है भाई, ये हमने बना दिया जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी। इसको अब अगर हम कमेंट कर दें तो कोई मसला नहीं है, फॉर के हम इसको चेक कर रहे हो कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हमने लास्ट वाले में की थी जो हमने एज इट इज़ यहाँ पे भी रखनी है, रिप्लेस करनी। ठीक हो गया भाई, तो ये हमारी लॉजिक आ गई, ये हमने स्टूडेंट ले लिया, स्टूडेंट्स की एरे बना ली। अब ये तो प्रिंट करने का तरीका था, ये हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, यहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहला जो चेंज आएगा हमारे पास वो ये वाला आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा, हम यहाँ पे देंगे सबसे पहले तो, अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ, ये भी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे सिंपल ये कर देंगे तो हमारे पास काम हो जाएगा। कैसे होगा, ये आया, हमने स्टूडेंट लिया,
ये लाइन उठाई हमने पहले तो, ठीक है भाई। अब इसी में सारा हमारा काम हो जाएगा, वो किस तरीके से कि हम लिखेंगे एंटर द सब्जेक्ट 1 मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स आ गए हमारे पास, जस्ट हमने स्कैन एफ लेना है। स्कैन एफ के लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स इनपुट हमारा इनर है यानी कि कॉलम है, और एसटीडी इनपुट यानी कि स्टूडेंट इनपुट जो है ये हमारे पास इसका आउटर लूप है। ये देख रहे हैं आप, तो ये आउटर लूप आ गया, ये इसका इनर लूप आ गया, सही है भाई। तो अब ये दोनों आ चुके हैं, तो अब हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें कि भाई ये इफ इसमें ये है इफ ये है, क्यों, क्योंकि ये अब टोटली डायनेमिक हो गया। यहाँ पे जीरो आएगा फिर ये चलता रहेगा 1 2 के लिए, 0 1 2 के लिए, फिर ये 1 आएगा फिर 0 1 2 के लिए चलेगा, फिर इसी तरीके से अप टू सो ऑन। तो ये पूरा का पूरा कोड अब हम यहाँ से अगर हटा दें तो कोई मसला नहीं है। सिमिलरली अगर आप नोट करें और देखें कि यही चीज हम यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। हम इस पूरी कमांड को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो स्टूडेंट 1 नहीं होगा, अब ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसी स्टूडेंट का होगा जाहिर सी बात है, ये आ गया, ठीक है। और ये पूरी की पूरी कंडीशन अगेन यहाँ से हट जाएगी, सही है भाई। तो 4 ये आ गया, 3 ये आ गया, और ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और ये इस तरीके से, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये 300 है, 4 है, ठीक है। इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई है ही नहीं ऐसा, क्योंकि हम रिजल्ट के साथ खेल रहे हैं, वो एरे अलग एरे है, और ये वाला जो एरे है ये हमने जस्ट मल्टी डायमेंशनल ऐड करना था, जहाँ जहाँ पे वो स्टूडेंट अंडरस्कोर 01, स्टूडेंट अंडरस्कोर 02, सही है भाई। इसके अलावा कहाँ चला गया, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। अगर हम इस वाले को भी कमेंट कर दें सेक्शन को तो भी मसला नहीं है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे इसकी एंड हो चुकी है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल, कोई चीज़ जो आप लोगों को ना समझ आ रही हो तो बता दें, ताकि हम जो है फर्दर इसको आगे लेके चलें। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो चुकी होंगी, हाँ भाई कि क्या चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, कंपाइल करते हैं इसको। सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, सब्जेक्ट 1 मार्क्स, 50-50 दे रहे हैं ताकि हम चेक करें हमारी लॉजिक सही चल रही है या नहीं। देखें भाई सही होगी बिल्कुल, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। लास्ट में शायद मैंने वैल्यू 5 दी है तो इस वजह से वो बेचारा फेल हो गया, वरना वो भी पास हो जाता। तो बी ग्रेड सबके आगे, एक फेल हो गया। तो अब दोबारा हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और अब हम इसकी वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं। लेट सपोज दिस वन 100 कर दी, तो अब देखें आप बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लिए, मैंने 56 की जगह 565 कर दिया, तो इस वजह से वो 73 ए प्लस पे चले गए। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो अचीव हो गई है। तो अगर आप नोट करेंगे कि हमने वो बिल्कुल बेसिक जो लॉजिक से कोड लिखा हुआ था, बाय यूजिंग अ मल्टी डायमेंशनल एरे, कितना कंसाइज हो गया ये दिस लूप इज यूज फॉर रिजल्ट, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या चीज है भाई, दिस लूप इज यूज फॉर, वो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए था, ये वाला हमारे पास स्टूडेंट्स मार्क्स एंटरिंग,
ठीक है भाई। तो आपने एंट्री के लिए स्टूडेंट मार्क्स के लिए ये लूप लगाया, तो पहले ये लूप अगर आप इनका कंपैरिजन करें, अगर आप खोल लें, बल्कि मैं इसको और थोड़ा साफ कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारा अनवांटेड कोड है जिसको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लें भाई कितना नाइस एंड क्लीन कोड हो चुका है अभी हमारा। हमने वही लॉजिक समराइज कर ली है, बस एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर जिसको सो कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं उसको हमने यूज़ किया, और हमें कोई वो इफ लगा के चेक नहीं करना है कि स्टूडेंट का कौन सा वेरिएबल चल रहा है या लूप में कौन सी आइटरेशन आ रही है। नहीं, ये सारा का सारा काम मल्टी डायमेंशनल एरे के थ्रू हमने जस्ट सिंगल लाइन के थ्रू कर लिया। यहाँ पे देख लें आप, ये स्कैन एफ, अगर मैं आपको सेशन दिखाऊं तो ये देखें, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, चार उसके अंदर थे। और सिमिलरली यहाँ पे ये चीज जस्ट हमने एक सिंगल लाइन के अंदर ये देखें कवर अप कर लिया। ठीक है भाई, तो होप ये आपका डिजायर सॉल्यूशन था जो आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए था। ऑल्दो इससे ये पता चल रहा है कि आप लोग वर्किंग नहीं कर रहे हैं, 2 दिन का टाइम इज फार इनफ, बहुत ज़्यादा है। अभी आपके सामने ये जो है सोल्यूशन मैंने रेडी किया, तो अगर मैं अपनी स्पीड को थोड़ा एक्स्ट्रा समझ रहा हूँ तो आप लोगों को हार्डली जो है वो 1 आवर इसके अंदर स्पेंड होना था और ये चीज़ आपके पास हो जाती अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को वाकई में क्लियर से समझा हुआ था। ये इसकी एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को दी थी तो ये क्लियर होगा। इवन मैंने यहाँ पे शायद टोटल भी आप लोगों को करके दिखाया था किस तरीके से आप रॉ वाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी ये रिमेनिंग लॉजिक हमारे पास सेम है, इस पर कुछ नहीं आपको करना। ऑल दो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने एंड पे दोबारा ट्राई कीजिएगा खुद से करने के लिए। उससे होगा ये कि आपकी लॉजिक बिल्डअप बनेगी। जब आप चीज़ों को खुद से करना सीखेंगे, चीज़ें डेवलप करना सीखेंगे, तभी आपको कोडिंग आएगी। अगर आप मेरा ही कोड उठा उठा के बार बार चलाएंगे तो फिर आपसे कुछ नहीं होने वाला, फिर कोडिंग आपके लिए जस्ट इस टाइम पास है। अगर आपके पास टाइम पास करना है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको वाकई में अगर सीखना है तो यू मस्ट हैव टू टाइप अ कोड। अगर आप, ये वही बात है, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको गाड़ी सीखनी है, बाइक सीखनी है, आप यूट्यूब पे बैठ जाएं और बाइक चलाने का सीखें, भाई हाउ टू राइड अ बाइक, हाउ टू ड्राइव अ कार, यूट्यूब पे बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा आपका। रीज़न, जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, खुद उसको चलाएंगे नहीं, खुद उस पर बैठेंगे नहीं, तो सेम लाइक यही चीज़ ऐसे। साइकिलिंग आप लोगों ने चलाई होगी, सारे स्टूडेंट तो हैं यहाँ पे, तकरीबन इतने तो नहीं होंगे कि जिसने साइकिल भी ना चलाई हो। गाड़ी और बाइक की मैं बात नहीं कर रहा। तो साइकिल चलाने के लिए मेन चीज़ क्या है, आपको उस पर एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस कैसे है कि आप जब उस पर बैठेंगे फिर आपसे चलेगी। तो सेम यही कोडिंग का है, कोडिंग तब आपको आएगी जब आप इसको खुद काम करें, राइट। चलें जी, तो ये तो हमारे पास हो गया, अब कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स क्यों है कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग करनी है। जब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आएंगे तो आपको कम से कम बेसिक कोड तो आता हो, आप बोलेंगे हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है मुझसे। तो अब हम कर क्या रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सही है भाई, इस प्रोग्राम के अंदर करेंगे क्या, करेंगे ये कि हम मल्टीपल नंबर्स लेंगे यूज़र से। लेने के बाद हम बताएंगे कि भाई इसमें से मैक्सिमम कौन सा है। क्या बताएंगे भाई कि हमारे पास जो नंबर है उसमें से मैक्सिमम नंबर जो है कौन सा है। सही है, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है भाई आपको, जल्दी से यहाँ पे आए, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। हैश इंक्लूड, मैं जल्दी से मेन वाला फंक्शन उठा लेता हूँ दोबारा लिखने के लिए। यहाँ पे आ गए हम लेके, ठीक है भाई। अब ज़रा सुनिएगा सिनेरियो क्या है कि भाई गेट, ये चलें इसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं करते, पहले आसान करते हैं फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स करेंगे। हम एक एरे लेते हैं, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द यूजर और एरे, राइट। क्या भाई, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द यूजर और एरे, ठीक है भाई। या तो आप फ्रॉम एरे से करें या यूजर से कर लें। तो पहले हम एरे से करते हैं, देन इसको हम यूजर की तरफ ले जाएंगे तो कोई इतना मसला नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं भाई इंट
लेट्स सपोज एरे ऑफ नंबर्स विच इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं है हमारे पास, यहाँ पर कुछ नंबर आ जाएंगे और ये हमने दे दिया राइट तो ये हमने यहाँ पे दे दिए नंबर्स। अच्छा इसको हम चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज दिस वन, ठीक है भाई। फॉर एक तरीका ये कि हम फॉर का लूप लगाएं और आपस में दोनों को चेक करें, दूसरा हम इनको स्वैप करें, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ये कि अभी फिलहाल हम इसको बेसिक लेवल से देखते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम, अच्छा एक हम रिजल्ट का तो लिए नहीं ना, मैक्स ये भी वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमारे पास ये टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हैं भाई हमारे पास, ये 7 अभी हमारे पास पड़े। तो लूप हमारा कहां तक चलेगा बताएं भाई, लेंथ हमारे पास इसकी जो बनेगी वो एक्चुअल में बनेगी n-1 जहां तक हमें लूप लेके जाना है। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को शायद पता होगा ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 7 तो लेस देन 6 या इक्वल टू हमारे पास किसके 6 के, ये चीज चल जाएगी सही है भाई। तो ये चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है, अदरवाइज आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा भाई तो ये हमने कर लिया, सवाल देख लेते हैं, सवाल आप लोगों को कोई अभी तक नहीं आया हुआ, दूसरा भी मैं चेक कर लेता हूँ इसमें कोई सवाल है हमारा तो वो भी आप बता दें। नहीं भाई किसी का अभी तक हमारे पास नहीं आया हुआ, ठीक हो गया। अच्छा भाई और कोई नहीं, चलें जी तो हमारे पास ये आ गया फॉर, एक और वेरिएबल ले लेंगे दैट इज फॉर इंटीजर, क्या आप लोगों को पता है i इज इक्वल टू 0 सेमीकॉलन i लेस देन इक्वल टू और लेस देन 7 सेमीकॉलन i प्लस प्लस, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रिंट एफ करवा दें, प्रिंट एफ फॉर कि भाई हमारे पास वाकई में ये डेटा प्रिंट हो भी रहा है या नहीं। तो %d/n एंड देन वी हैव arr नंबर एंड देन i राइट, तो ये हमारे पास आ चुका है, देन हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं जस्ट और हमारे पास ये काम हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा काम है, मेरे ख्याल आप लोगों को ये पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों ने ये चीज़ देखी, लेकिन अगेन बताने का मकसद कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए कि भाई किस तरीके से कंडीशंस को हम डिवेल्प करेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया, क्या हो गया भाई हमने यहाँ पे कोई चीज मिस्टेक कर दी है, कोड पे आते हैं दोबारा, arr बिल्कुल हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर नहीं किया इस वजह से ये इसने एरे नहीं उठाया, देख रहे हैं आप। अच्छा भाई ये क्या कह रहा है, ओ ये भी, अच्छा यहाँ पे भी देखें गलत मिस्टेक हुई है, मैंने गलत जगह पे गलत एरे दे दी, करली ब्रेसेस आने थे और ये आना था, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास कोड हो गया कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इफ क्या चेक करना है, इफ अगर ये जो करंट वैल्यू है ये बड़ी है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा मैंने एक चीज और भूल गया, वो ये कि मैक्स को अभी फिलहाल हम 0 पे इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि वो गार्बेज वैल्यू ना उठा ले। अगर जो करंट वैल्यू है यानी कि arr नंबर आई वो बड़ी है मैक्स से, तो सिंपली क्या कर दो, मैक्स बराबर कर दो arr ऑफ नंबर, समझिएगा भैया हो क्या रहा है, आप हो ये रहा है कि हमने मैक्स का वेरिएबल 0 इनिशियलाइज कर दिया, देन हमने ये लूप लगाया और इसमें हमने एरे की जो भी इंडेक्स है अभी हमारे पास कितने हैं, लेट्स सपोज 6 हैं, ठीक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी यहाँ पे है 0 की वैल्यू क्या है 76, क्या 76 बड़ा है मैक्स से जो कि अभी हमारे पास 0 है,
तो आप डेफिनेटली कहेंगे यस बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो कुछ नहीं है, मैक्स को बराबर कर दो इस करंट इंडेक्स वाली वैल्यू से, दैट्स इट। ये आपने कर दिया, यहां पे प्रिंट एफ लिखें, प्रिंट एफ, और यहां पे लिख दें आप द मैक्सिमम वैल्यू इज दिस परसेंट डी स्लैश एन, और ये हमारे पास कॉमा करके आ जाएगा मैक्स। ये आपने लगाया और ये आपकी कंडीशन हो गई वेरीफाई, ठीक है भाई। सो दैट इज द बेनिफिट कि आप किस तरीके से ये चीज चेक करेंगे, ठीक है भाई। अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास ये चीज आ रही है। बिल्कुल कंबाइल हो गया हमारे पास, अब हम इसको चलाते हैं। तो जो भी हमारे पास एरे है उस एरे में एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो किसकी है भाई, वो हमारे पास है 87। किसकी वैल्यू है 87, तो वही यहाँ पे यही चीज हमारे पास आ चुकी है, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं इसका रिवर्स चाहूं, क्या चीज, उसी चीज का रिवर्स चाहूं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम, अब मैं चाह रहा हूं कि इन्हीं सारे वैल्यूज से मिनिमम चाहिए, स्लाइटली सा चेंज है, बताएं, सोचें जरा, मैं कोड भी आप लोगों को दिखाता हूं, दो मिनट का टाइम भी देता हूं, स्लाइटली सा बिल्कुल माइनस आपके पास चेंज होगा और ये काम आपके पास हो जाएगा, बताएं भाई वो क्या है। बताएं बताएं ऐसा क्या है जिससे ये काम हमारे पास हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया है, लेकिन हमें इसका रिवर्स करना है, मैक्स मिनिमम चाहिए मिनिमम, ये हमारे पास मैक्स है, वी नीड मिन। चले मैं मिन को भी जीरो कर देता हूँ फिलहाल। चले अब बता दें ऐसा क्या लिखेंगे कि हमारे पास, चले मैं और थोड़ा और आगे ले जाते हैं, हम इसको यहाँ पे दोबारा इफ कर देते हैं, एल्स नहीं करते, इफ एक दफा चल जाएगा फिर वो दोबारा इसके अंदर नहीं आएगा, बताएं भाई क्या होगा। समझिएगा इस बात को, समझिएगा मैं बता रहा हूं आपको, सो मिनिमम वैल्यू इज दिस और मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, यहां पे हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है बाय इसके। लेकिन अब मजे की बात ये कि यहां मैक्स नहीं आएगा, यहां वैल्यू आएगी मिन, ठीक है। और एक जो और इसमें ट्रिक आएगी वो ये आएगी कि हम मिन की वैल्यू जीरो नहीं रखेंगे, क्या चीज, मिन की वैल्यू जीरो नहीं रखेंगे, मिनिमम वैल्यू हम रखेंगे इसका पहली वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या है, एआरआर नंबर और हमारे पास इसकी पहली वैल्यू, ओके, हमारे पास जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हो, तो 76 एक्चुअल में ये हम लेंगे और इस 76 को हम कंपेयर कराएंगे कि आया जो नेक्स्ट वैल्यू है 87 क्या वो छोटी है 76 से, तो अगर वो छोटी है तो ठीक है कोई मसला नहीं है, अगर बड़ी है तो फिर आप क्या करें, दोबारा इसकी वैल्यू चेंज कर दें, मिन को क्या कर दें आप एरे ऑफ इंडेक्स जो भी इसकी वैल्यू, दोबारा क्या मैंने कहा यहां पे वैल्यू 76 है, अभी नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास 87 क्या छोटा है मिनिमम से, बताएं क्या 87 छोटा है मिनिमम से, जी बिल्कुल, तो कंडीशन चला दें,
क्या 45 अगेन नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमें ये वैल्यू मिन के लिए चाहिए और ये मैक्स है। देन 45 यहाँ पे रखा हमने, क्या 45 छोटा है 76 से? जी बिल्कुल छोटा है तो ये चलेगा, 87 76 से छोटा नहीं है, फॉल्स, सही है। तो जब फॉल्स हो गया तो यहाँ पे बात आएगी नहीं, समझ आई? तो चले भाई अब इसको हम चलाते हैं पहले, फिर आपको शायद ये क्लियर होगा। आ गया भाई, तो हमारे पास जो करंट मिनिमम वैल्यू है दैट इज 29, और बिल्कुल वो 29 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 87। तो हमने एक ही एरे के अंदर से ये दोनों चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली। अब फर्दर हम इसके अंदर क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने कहा कि भाई आप यहाँ पे बता दें कितने नंबर हैं, या उनका इनपुट आप यूजर से ले लें। दो तरीकों से ये हो सकता है, पहला तरीका ये कि आप यूजर को बोलें कि कितने आपको नंबर चाहिए, वो बोले 5, फिर आप 5 एरे के अंदर वैल्यूज लें और फिर आप जो है उसका मिनिमम और मैक्सिमम बता दें, ठीक है भाई। अभी फिलहाल के लिए ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये जितने भी वैल्यूज हैं इनमें से हम लेट सपोज फॉर का लूप लगा के 5 वैल्यूज ले लेते हैं, जो शायद हमने ऊपर किया हुआ भी होगा। फॉर आ गया हमारे पास, जी बिल्कुल ये आ गया, ये हम लेके आए कहां पे, इस जगह, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसे बोल रहे हैं बकायदा तौर पे कि भाई बताओ इसी का फर्दर ऊपर वाला लूप भी ले आते हैं। ये आ गया, तो यहां पे हमारे पास लूप अब क्योंकि आई है, तो हम मैं इसको जे दे रहा हूं, लेट्स सपोज अभी क्योंकि इसकी कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं है, ये इनपुट है वैसे, ये मैंने दे दिया, और एंटर द वैल्यू, जो भी हमारे पास वैल्यू है जे उसके अंदर प्लस करके आ जाएगा। अब यहां पे देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे हम देंगे ARR नंबर और इन सबको यहां से रिमूव करके लेट सपोज मैं 4 वैल्यूज रख रहा हूं, तो 4 0 दे देता हूं, ठीक है भाई। तो हमने 4 वैल्यू यहां पे इनिशियलाइज कर दी ताकि हमारे पास गार्बेज ना आए, क्योंकि सी में आपको पता है गार्बेज आने का चांस ज्यादा होता है। अब यहां पे हमने जस्ट क्या दे देना, आई सॉरी जे, तो हमारे पास ये पहले एक वैल्यू उठाएगा, फिर दूसरी उठाएगा, फिर तीसरी उठाएगा, फिर चौथी उठा लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 वैल्यू डिक्लेयर की है और लूप भी 4 दफा चलेगा। अब इसी लूप को देखते हुए हमें ये नीचे वाले लूप की भी लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज लेस देन 3, अच्छा नहीं 3 नहीं होगा, ये लेस देन 4 होगा, क्योंकि हमारे पास 4 इंडेक्स है, ठीक हो गया। अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं ये वाकई में हमारा डिजायर उस पर चल रहा है या नहीं। अच्छा भाई ये क्या कह रहा है, इनपुट डिक्लेरेशन ये लाइन नंबर 92 के अंदर हमने कुछ किया है, कहाँ चला गया भाई लाइन नंबर 92, इनपुट कहीं था, इनपुट चेक करें, इनपुट हमने कहाँ लिखा, इनपुट तो ये हमने ऊपर वाले कोड में लिखा है, सेव करते हैं इसको दोबारा, इंट इन मेन एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट एट एंड ऑफ इनपुट। देखे भाई हमने यहां पर कोई चीज गलत दी है, नहीं परसेंट डी दे दिया हमने, ओ राइट बिल्कुल हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, इस वजह से इस ब्रैकेट के बारे में ये वो बोल रहा है, ठीक है भाई। तो हमने ब्रैकेट दिया, लेट सपोज ये हमने वैल्यूज दी, तो हमारे पास इसने जो है वो लेके आ गया। अच्छा अब यहाँ पे एक इशू देखें क्या हुआ, ये देखें ना आप, जीरो क्यों आ गया, जीरो इसलिए आ गया कि हमने इसको पहले हमने सेट करवा दी वैल्यू को, फिर हमने जो उसको बराबर किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, सिर्फ डिक्लेयर करेंगे हम मिन को ऊपर, और नीचे आके जब हम इनपुट ले लेंगे फिर हम इसके बराबर करेंगे, तो अब ये हमारे पास वैल्यू सही आएगी,
ठीक है जनाब। अच्छा ये हमने एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन क्या मिस कर दिया हमने? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो अब आप देखें हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 19 आ चुकी है और मैक्सिमम वैल्यू 87 आ चुकी है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो कि कैसे ब्रेक यूज होता है, कैसे कंटिन्यू यूज होता है। अभी हमने नेक्स्ट कुछ सेशन में यही चीजें देखनी है कि कैसे लॉजिक डेवलपमेंट होगी। हम डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम्स देखेंगे जिससे हम अपनी लॉजिक को जो है इम्प्रूव करेंगे। जब हमारी वो इम्प्रूव होगी तो फिर हम फर्दर आगे एडवांस टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन होंगे। तो तब तक आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग आएगी। जब प्रोग्रामिंग आना शुरू हो जाएगी आप खुद ही चीज़ें सीखना शुरू हो जाएंगे, खुद ही चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है जनाब, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।